बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुकमान हकीम की नसीहत। एक ज़िंदगी के सफ़र में गिरने के बाद हार न मत, गिरने के बाद भी उठने की कोशिश जारी रखना। मुमकिन है कि दोबारा उठना ज़्यादा शानदार हो। अपना मकसद हासिल करने के लिए कोशिश करो, साजिशें नहीं। सुना है तारीफ़ों के पुल के नीचे मतलब की नदियाँ बहती हैं, यानी आज के दौर में जो लोग मुँह पर तारीफ़ करते हैं तो समझ जाओ उसके पीछे कोई ना कोई अपना मतलब, उनका कोई मकसद ज़रूर है जो कि वह आपके मुँह पर तारीफ़ कर रहे हैं। दूसरों की बात कभी ना काटें, पहले बिल्कुल तवज्जो से अगले की बात को सुने, फिर बात का जवाब दें। दुनिया में शक करना भी एक ऐसा रोग है जिसको लग जाए वह किसी पर एतवार के काबिल नहीं रहता। मैंने हर किसी से मुतासिर होना छोड़ दिया है क्योंकि लोग वो नहीं होते जो वह नज़र आते हैं। देखने में तो इतने मिस्कीन भोले भाले हो जाते हैं, आपके अपने आपके बहुत खास आपकी बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हो जाते हैं, पर वह होते नहीं। असल में उनके दिल में कुछ और ही होता है। हाथ से हाथ छुड़ाना तो ज़रूरी नहीं, कुछ लोग साथ रहकर भी पिछड़ जाते हैं। अगर आपको कोई ज़रूरत के टाइम याद करता है तो बुरा मत मानना, क्योंकि चिराग की तभी याद आती है जब अंधेरा होता है, और ऐसे लोग दुनिया में बहुत ही ज़्यादा मौजूद हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब पर याद करते हैं, और मुझे खुशी होती है उनका साथ देने में, इसलिए थोड़ा सा उनका साथ देना ज़रूरी है। आजकल सब अपने मतलब के लिए मिलते हैं, फिक्र करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। एक बार बद निगाही करने वाला इंसान कई अरसे तक कुरान करीम की तिलावत की शहादत से महरूम कर दिया जाता है। जिस पर आँख बंद करके भरोसा करें वही लोग अक्सर आँखें खोल जाते हैं। जब बर्दाश्त खत्म हो जाती तब तकलीफें गुस्सा बनकर बाहर आती। बेबर्दाश्त बातें जो हो जाती, यानी कुछ ऐसी बातें जो हो जाती जो अब नहीं बर्दाश्त होंगी तो क्या होगा, उस पर इंसान गुस्सा करने लगता है। किसी की ज़िंदगी में यकीन मत तोड़ना, हो सकता है उसने तुम पर यकीन करके ज़िंदगी में जीना सीखा हो। हराम ताल्लुकात से दूरी अख्तियार कर लो, हलाल रिश्ते में हर चीज़ मिल जाएगी। मोहब्बत, मान, इज्जत और जन्नत, ये चारों चीज़ें मिल जाएंगी। अगर इंसान तनहाई में भी गुनाह करे तब भी ये चार गवाह बिल्कुल तैयार हैं, आपका दिल, आपकी आँखें, आपके कान और आपके हाथ। आप चाहे अकेले में गुनाह कर रहे हों, बिल्कुल अकेले, फिर भी ये चारों गवाह होंगे जो गवाही देंगे। गुस्सा माचिस की तिली के मानंद है, जो दूसरों को जलाने से पहले खुद ही जलता है, इसलिए गुस्सा हराम है, गुस्सा करना छोड़ दे। वक्त की दोस्ती हर कोई करता है, मज़ा असल में तब है जब वक्त बदल जाए और दोस्त ना बदले। जिस दरवाजे से शक अंदा दाखिल होता है, मोहब्बत और एतमाद उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। सबको माफ़ करके सोया करो, ज़िंदगी कल की मोहताज नहीं, यानी कल के ऊपर न छोड़े कि कल क्या होगा। कल कुछ नहीं पता, आज सोया ना कल, सोया यानी कि मिला ही नहीं, उसकी ज़िंदगी ही नहीं मिली। उठने की तो वह दूसरा दिन सोया, क्यों क्या मिलेगा। तो इसलिए हर सोते टाइम सबको माफ़ कर दिया करें। पानी के साथ चुकंदर और लहसुन खा लें, पेट चंद दिनों में अंदर चला जाएगा। बोल ज़बरदस्त रेडमी, इसे ज़रूर खाएँ। बुराई कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हर अच्छाई के सामने वह छोटी ही होती है। दुनिया में वही एक रिश्ता मियाँ बीबी का वाहिद रिश्ता है, यानी अकेला एक ऐसा रिश्ता है कि मियाँ बीबी का, जिसमें एक ही शख्स से कई बार नफरत होती है फिर कई बार वार वार मोहब्बत हो सकती है। जो लड़ाई भी करो और रोज़ मोहब्बत भी की जाती है, कौन सा रिश्ता है जो मियाँ बीबी यानी हस्बैंड वाइफ का है। सारी ज़िंदगी इंसान इस फरेब के अंदर गुजार देता है, इस धोखे में गुजार देता है, वह दूसरों के लिए अहम है जबकि वह अहम नहीं होता। थोड़ी देर के लिए चाहे जितनी तकलीफ हो ज़रा रो लेगा, मगर दूसरा दिन उनका फिर खाना पानी चालू। इंसान दो चीज़ों से बिल्कुल बेबस है, दुख से भाग नहीं सकता, खुशी को खरीद नहीं सकता, यह दोनों चीज़ें उसके बस से बाहर हैं। किसी को अपनी ज़िंदगी में बहुत अहमियत देना चाहते हो तो पहले यह देख लो उसकी नज़र में तुम्हारी कितनी अहमियत है। सही बात है, बिल्कुल सही, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए मिल रहा है या फिर आपको कुछ और समझता है। औरत वो सफ़ेद चादर की तरह है, जिस पर पानी का दाग भी लग जाए तो वी केयरफुल, यानी औरत को वो संभल कर रहना चाहिए। दौलत की असल तबाही यह है, यह हमेशा किसी के पास नहीं रहती, अगर रह भी जाए तो इंसान नहीं रहता। वह अपनी दौलत का इस्तेमाल करें, सब कुछ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा पंजारा। लोग इतना दूर खुद को दुरुस्त करने में नहीं लगाते जितना कि दूसरों को गलत साबित करने में लगाते हैं। वाह भाई वाह, अपने गिराबान में झांक लो, दूसरों में कमियां दिखेंगी ही नहीं।
इंसान की फितरत है कि वह किसी की शय यानी चीज़ को सिर्फ दो मर्तबा कद्र करता है, एक खो देने के बाद, दूसरा मिलने से पहले। क्या बात कही, किसी के रास्ते में बेवजह मुश्किलात पैदा करने से पहले यह ज़रूर सोच लो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत के अंदर हुकूकुल अल इबाद माफ़ी नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।